दुनिया के हर माता पिता अपनी औलाद के लिए अपना सारा सुख सुविधा मौज मस्ती कुर्बान कर देते हैं और इस उम्मीद से अपने बच्चों को बड़ा करते हैं कि वृद्ध अवस्था में उनके बच्चे उनका सहारा बने, जो कि हर संतान का फर्ज भी होता है। लेकिन संतान जब अपने माता पिता के सपनों पर पानी फेर दे तो उनके दिल पर क्या गुजरती होगी, शायद वे ही बखूबी जानते हैं। वृद्ध अवस्था में बेसहारा होकर नरक का जीवन जीने के लिए माता पिता मजबूर हैं। बच्चे माता पिता के जीवन के आखिरी पड़ाव में उनका साथ छोड़ देते हैं। जिन माँ बाप ने उनको उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जब उनको अपने बच्चों की जरूरत होती है उस वक्त पे वो बच्चे अपने माता पिता का साथ छोड़ देते हैं। पेड़ों पत्थरों से लेकर जानवरों तक को पूजने वाला भारत अपने बुजुर्गों का ही ख्याल नहीं रख रहा। कभी माँ बाप को भगवान मानने वाले भारत के बेटे अब उन्हें बोझ मानने लगे हैं और उन पर अत्याचार के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आज हम आपको ऐसे ही घटना से रूबरू कराने के लिए ले चलते हैं इंदौर, जहां प्रति मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई में सैकड़ों आवेदन के लिए लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर आए। मगर एक ऐसी भी वृद्ध महिला पहुंची जिसके पास ना तो कोई साथ था और ना ही हाथ में कोई परेशानी लिखी कागज था। थी तो सिर्फ जुबा पर परेशानी ही परेशानी, जो इंदौर कलेक्ट्रेट महोदय को सुनाना चाहती थी। जब हमारे संवाददाता अमर वर्मा ने इस वृद्ध महिला से पूछा तो उसने बताया कि उसके बेटों ने घर से उसे निकाल दिया है और साथ में रखना नहीं चाहते हैं। गांव के लोगों ने बताया कि जन सुनवाई में कलेक्ट्रेट साहब सब ठीक कर देंगे तो यहां चली आई। आइए हम आपको सुनवाते हैं इस वृद्ध महिला की कहानी इन्हीं की जुबानी। कौन सा गाँव रहते हो? छोटी खुड़ेर। क्या समस्या आपकी? कमरा की समस्या है, रहने का घर चाहिए नहीं तो हम टापरी बनाई ली, हमारा 6,000 रुपया लेना है रामचंद्र से। तो आपके बच्चे कितने हैं? बच्चा तो बहुत है पर सब दूर दूर इंदौर में है, कोई गांव में है, पर उन्हें दुख दिया। अच्छा। आपके बच्चों ने दुख दिया? हाँ। वो आपके साथ नहीं रख रहे? हाँ, निकाल हाथ पकड़ी पकड़ी जो था यार ने बनाई, था यार ने बनाई करके निकाल घर से बाहर। थाना पे गए तो मार चले गए, पागल या तो पागल। ये इंदौर में जैसे जन सुनवाई में आए आप? हाँ। ये जन सुनवाई आपको समझ में, आपके पास आवेदन नहीं है, आपकी कैसे समस्या बताओगे कलेक्टर? मतलब कई बात है, मारने दौड़ा 6,000 रुपया मारे हाथी हुए, फिर छोरा ने कफर बोल लियो, कफर बोल लियो तुम्हारा 6,000 रुपया दे दे भाई। दो बच्चे आपके? बच्चा तो बच्चे 6 है। आपके 6 लड़के हैं? हाँ, तो गाँव में है पर भी देखा कुट्टी बड़ा ही को सब जाड़े मके नहीं रहने दे, तो कभी कोई नहीं बोलने। एक भी लड़का आपको नहीं रख रहा है? रखे सब, चांदी सोना मांगे भरा कर वाला, चांदी सोना थोड़ी लाया था हमारे तो कहाँ से लोग साफ चांदी सोना। ठीक, चांदी सोना कहाँ से लोग। ठीक, अब आपको एक ऐसी महिला से रूबरू कराते हैं जो इंदौर कलेक्ट्रेट की जनसुनवाई में पहुंची मगर उसकी समस्या हल नहीं हुई। वह इंदौर में विशाल भवन कलेक्ट्रेट कार्यालय में पहुंचे कैसे, क्योंकि इंदौर कलेक्ट्रेट की जनसुनवाई भव्य भवन में 2 घंटे लगती है और दूर दराज से आने वाले तथा अनपढ़ लोगों के लिए यह समय ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर ढूंढने में ही लग जाता है। ढूंढते ढूंढते जन सुनवाई का समय ही खत्म हो जाता है और अधिकारी चले जाते हैं। आखिर समस्याएं किनके समक्ष रखी जाए? आज इंदौर में कलेक्ट्रेट की जनसुनवाई में ऐसा ही देखने को मिला, जो यह विधवा महिला अपने बीपीएल कार्ड के लिए भटक रही है। आइए आपको सुनवाते हैं कि पीड़ित महिला ने क्या कुछ कहा। सीमा, क्या हुआ? सीमा सिंह, मेरा पति खत्म हो गया, मैं बीपीएल कार्ड के लिए दौड़ रही हूँ, आई थी सहायता के लिए दौड़ रही, मेरे को कोई सहायता मिल नहीं रही, ना ही बीपीएल कार्ड मिल रही कि बच्चे पालूंगी। कहाँ रहते हो आप? 48 न्यू नगीना। अच्छा, क्या जनसुनवाई में आपका क्या समस्या क्या आ रही है? मेरी समस्या ये है कि मेरी बच्ची 8वीं में पढ़ती है, बच्चा 5वीं में पढ़ता है, मैं अकेली औरत में पालूंगी कैसे? मेरे को कम से कम बीपीएल कार्ड बन जाए तो मेरे को राशन मिले तो मैं बच्चे पालने में। जनसुनवाई का समय तो खत्म हो चुका, अब आप आए हो। मैडम मैं सर तो मैं कब से घूम रही हूँ, कभी दूसरी में जाओ, कभी तीसरी में जाओ, कभी चौथी पे, अनपढ़ गंवार हूँ, मेरे को पता ही नहीं कि कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं जाते हैं। अनीता मैडम करके कागज दी, अनीता मैडम सुन ही नहीं, बोल रही कि कौन है अनीता मैडम? पटवारी के पास 221 में। इंदौर कलेक्टर की जन सुनवाई में आज सैकड़ों आवेदन आए,
जहाँ पर अपनी समस्याएं लेकर आए हैं, लेकिन एक ऐसी महिला, वृद्ध महिला आई जिनके पास न आवेदन है और न समस्या का अंबार है। एक वृद्ध महिला ने उन्होंने बताया कि उनके 6 बेटे हैं लेकिन एक भी उनके साथ में नहीं रख रहे हैं। महिला ने बताया कि मैं एक गांव से आई हूं, लोगों ने कहा कि आप जन सुनवाई में चले जाइए, कलेक्टर साहब की जन सुनवाई में चले जाइए जहां पर आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन महिला 1 बजे तक को यहाँ इधर उधर भटकती रही। हमसे जब हम मिले उनसे, उन्होंने बताया कि मेरी समस्या है, मेरे बेटे हैं लेकिन मुझे कोई भी साथ में नहीं रख रहे हैं, मैं अकेले इधर दर दर भटक रही हूं और मुझे ये भी नहीं पता है कि क्या आवेदन में लिखवाना है और कैसे मुझे यहां पर मेरी समस्या बताना है। अब देखना होगा कि उस महिला को किस प्रकार से हमारे समाचार एक्सप्रेस के माध्यम से न्याय मिलता है। कैमरामैन दिनेश मीनारा के साथ अमर वर्मा, समाचार एक्सप्रेस, इंदौर। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।